नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी हमारे पास मारुति सुजुकी की डेल्टा गाड़ी है, जिसका आज हम आपको रिव्यू करें। व्हाइट गाड़ी है और गाड़ी का जो हमारा इसका नेम है सियाज गाड़ी है, जो सिडान कार में से एक ये गाड़ी आती है, काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है। जो हमारी ये गाड़ी सेल होती है नेक्सा की डीलरशिप पर, ये गाड़ी आपको सेल मिल जाएगी। जो गाड़ी का हमारा जो इंजन है 1500 cc गाड़ी का इंजन रहेगा, 5 सीट जो गाड़ी कैपेसिटी है वो आपको मिल जाएगी। जो गाड़ी का इंजन हमारे को पावर देता है 113 और 136 की इसकी हमारी टोरक रहेगी। फ्रंट में देखते थे गाड़ी का ना, हमारे को काफ़ी बड़ा सारा बोनट मिल जाता, बोनट के ऊपर आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता। और जो गाड़ी का जो इंजन हमारा, इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है 20 point something इसकी आपको एवरेज मिल जाएगी। फ्रंट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रंट में हमारे को 2 wiper मिल जाएंगे विद वाशर के साथ, काफ़ी बड़ा सारा हमारे को फ्रंट का जो ग्लास है वो मिल जाएगा। साइड की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे को प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर हमारी जो ग्रिल रहेंगी वो मिल जाएगी। फ्रंट में जो है ना, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो एक वीडिंग का यूज़ किया गया फ्रंट में भी, काफ़ी क्रोम यूज़ किया गया है यहाँ पर गाड़ी में। सुजुकी का आपको लोगो मिल जाएगा। ब्लैक के अंदर हमारी ग्रिल रहेंगी, स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी और जो गाड़ी के अंदर ना फोग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये भी हमारे को एक अलग चीज की गाड़ी की सेफ है ना, सिल्वर का हल्का सा बॉडी का जो कलर है ना गाड़ी का, उससे हल्का सा आपको मिसमैच होता है ये दिखाई देगा। ये ग्लोसी के अंदर आपको साइन सा कर रहा है वो दिखाई देगा। वो जो साइड की जो प्रोफाइल है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। एलॉय व्हील मिल जाएंगे आपको, सुजुकी का इसके अंदर आपको लोगो रहेगा। जो हमारे फ्रंट के ब्रेक है वो डिस्क के अंदर रहेंगे, बैक के भी ब्रेक वो आपको दिखाएंगे डिस्क के अंदर है या ड्रम के अंदर। गाड़ी का जो टायर साइज 185 आर 15 इंची टायर साइज मिल जाता है। ग्राउंड स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। आउटसाइड जो हमारे मिरर हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के साथ आपको मिल जाएंगे। ए पिलर से लेकर ना सी पिलर तक आपको ये ब्लैक का स्टफ आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर अलग से ये ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा और 43 लीटर आपको पेट्रोल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। चारों ही हैंडल हमारे को बॉडी कलर के मिल जाते हैं। बैक के जो हमारे ब्रेक है वो ड्रम के अंदर रहेंगे। ये हमारी गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, एक बार बैक की प्रोफाइल पे भी लेके चलते हैं। बैक में हमारे को ना यहाँ पर डिफोगर मिल जाएंगे, यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप रहेगा, नेक्सा की बैजिंग रहेगी। जो ये हमारी गाड़ी है नेक्सा की डीलरशिप पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सियाज की बैजिंग रहेगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर हमारी नेम प्लेट रहेगी और इधर हमारी स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाएगी। चार गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग सेंसर वो मिल जाएंगे। टेल लाइट आपको मिल जाती है यहाँ पर, टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ। नीचे रिफ्लेक्टर रहेगा और नीचे हमारे एडजस्ट पाइप मिल जाएगा, 2 के लिए ऑप्शन है। जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो भी आपको ओपन करके एक बार दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा आपको इसके अंदर ना बूट स्पेस ये मिल जाता है, 510 लीटर का ये बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिसके अंदर हम ना आसानी से 5-6 बड़े बैग कैरी कर सकते हैं। और यहाँ से उठाएंगे जो इसका स्पेयर व्हील, यहाँ पर ये अच्छी सारी फिटिंग है। इसके जो स्टेपनी टूल किट भी है इसके अंदर ये आपको मिल जाती है, ये ऊपर रखी हुई है। जो फर्स्ट एड किट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी और ऊपर की तरफ एक ये लाइट रहेगी हमारी, जो जैसे रात के समय कुछ सामान वगैरह रखते हैं ना, उसके लिए काफ़ी यूजफुल आपको रहेगी। ये अंदर से लेके चलते हैं, कैसा गाड़ी का देखिए अंदर से ना, देखने पर यार लग्जरी फील आता हमारे को। देखिए गाड़ी में जैसे देखिए क्रीम कलर का बिल्कुल प्रॉपर अंदर का जो इंटीरियर है ना वो मिल जाता है यार। एक बार मैं साइड की जो आपको विंडो है ना ये दिखा देता हूँ पहले, फिर अंदर की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पर सेफ्टी में आपको ना चाइल्ड लॉक मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए यार अलग से ना आपको ये वुडन का फिनिश मिल जाएगा। ड्यूल टोन का ऑप्शन रहता, क्रीम का रहेगा हल्का सा। यहाँ पर भी आपको देखिए अलग, इससे हल्का सा अलग मिलेगा, फैब्रिक है, कपड़े ही यूज़ किया गया। पावर विंडो कंट्रोल रहेंगे, क्रोम का यूज़ किया गया हैंडलों पर। देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव सारे आपको जो साइड की विंडो वो मिल जाएगी। नीचे ड्यूल बोटल स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भी बोतल ही रख सकते हैं वैसे, ये प्रॉपर आपको बोतल के लिए एक स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमारे को म्यूजिक सिस्टम ये मिल जाएगा। लेग रूम स्पेस तो यार काफ़ी अच्छा रहेगा। लेदर पोस्टी हमारी ये सीटें रहेंगी। फिक्स हमारे ना गाड़ी के हेडरेस्ट रहेंगे। प्लेन के अंदर आपको गाड़ी की जो रूफ है वो मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे रहेंगे हैंडल बार रहेंगे और ऊपर ये हमारा ना एक हुक दिया हुआ, इस पर हम कुछ भी कोट वगैरह कैरी कर सकते हैं। इधर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आर्मरेस्ट, 2 cup holder के साथ हमारा ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा। और जो गाड़ी की सीटें हैं ना, सीटों में देखिए यहाँ पर चैन वाली हमारे को पॉकेट मिल जाती है। एसी के 2 vents मिल जाएंगे, चार्जिंग के लिए सॉकेट रहेगा, फ़ोन रख सकते हैं। देखिए लेग रूम स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा,
और हेड स्पेस भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर बीच में एक लाइट मिल जाएगी आपको। जैसे हमारे गाड़ी के ये है ना कवर है सीट, वैसा ही अंदर का देखिए प्रॉपर इंटीरियर दिया हुआ सारा। गाड़ी अलग से यार एक फील आता है भाई, लग्जरी गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं। और ऐसा दिखता शानदार सा हमारा डैशबोर्ड। गाड़ी का जो हमारी की है ना, एक बार वो की दिखाते हैं आपको। दो की हमारे को मिल जाती है, ऐसी गाड़ी की रहेंगी जो हमारी सियाज गाड़ी है ना। यहाँ पर इसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, दोनों ही की पर ये लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाएगा। एक बार अंदर एंट्री कराते हैं गाड़ी के, फ्रंट का इंटीरियर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे रहेगा गाड़ी का। ये रहेगी हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पावर विंडो कंट्रोल। ड्राइवर साइड वाली हमारी जो विंडो वन टच अप डाउन रहेगी, लॉक अनलॉक का बटन रहेगा। आउटसाइड हमारे मिरर है, इनको यहीं से हम एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल के लिए स्पेस है, यहाँ पर अखबार वगैरह के लिए स्पेस है, स्पीकर है, और यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता 6। आपको इसके अंदर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता। शानदार सा आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। मारुति का ना इंजन से रिलेटेड जो सीरियल नंबर है वो मिल जाएगा। टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। वो जो गाड़ी की सीट है हमारी 6 वे में आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। आगे पीछे हाइट को अप डाउन कर सकते हैं और रिक्लाइन और डिक्लाइन कर सकते हैं। 3 हमारे यहाँ पर पैडल रहेंगे। फ्रंट का जो बोनट ओपन कर सकते हैं वो लीवर मिल जाएगा। बूट ओपन करने का बटन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से इसको दबाएंगे ना। ये मेरे को यूनिक सा एक फीचर लगा यहाँ से। नहीं मोस्टली गाड़ी हम कैसे रहता, देखिए जैसे इसका फ्यूल का है ना, ये ऐसे कि ऐसे खींच के हम इसको ओपन करते हैं। वो जो बूट का हमारा इसका अलग से दिया, इसको मैं प्रेस करूँगा जैसे ही हमारा बूट ओपन हो गया अभी यहीं से ही। और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी का बटन दिया हुआ है। फॉग लैंप को इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट की लाइट है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए यार ना, ड्यूल टोन का आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता। देखिए इधर ये वुडन का स्टफ आपको देगा, नीचे तो क्रीम का है ही स्टफ है। यहाँ पर हमारा पर्स वगैरह हम इसके अंदर अच्छे से रख सकते हैं। एसी के वेंट्स आपको मिल जाएंगे। इनके ऊपर आपको ये दिख रहा ना, जो ये सिल्वर का स्टफ आपको मिल जाएगा। और जो स्टेयरिंग है यार हमारा गाड़ी का, इसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्रोम का स्टफ है, इधर भी हल्का सा क्रोम का स्टफ, यहाँ पर भी। और इधर हमारा क्रूज कंट्रोल रहेगा, इधर हमारा मोड का ऑप्शन रहेगा म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड। और नीचे हमारा जो रहेगा कोलकट ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर हमारे रहेंगे वाइपर कंट्रोल स्टिक, और इधर रहेंगे हमारे लाइट कंट्रोल स्टिक। एक बार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको दिखा देते हैं। टिल्ट स्टेयरिंग आपको गाड़ी का मिल जाता है। और ये रहेगा हमारा इसका गाड़ी का जो शानदार सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये हमारा इधर RPM रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, और बीच में हमारा फ्यूल लेवल वार्निंग डिजिटल के अंदर आपको मीटर मिल जाएगा और स्पीड है। और इधर आपका उधर टेम्परेचर था ना हमारा, यहाँ पर फ्यूल लेवल वार्निंग। और जो गाड़ी की स्पीड है 220 हमारे को यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से स्टिक को मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाती है जो किलोमीटर से रिलेटेड रहेंगी। टोटल आइडल स्टॉप टाइम, पावर और टोरक गाड़ी दिखाएगी जब हम चला रहे हैं, कितना हमारे को पावर और टोरक मिल रहा है गाड़ी से। मोटर के अंदर जैसे इंजन और पीछे ये जो बैटरी का इन्फॉर्मेशन है ना, मोटर इसके अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर वगैरह कितनी सारी चली हुई है गाड़ी के अंदर, टाइम डेट और कुछ वार्निंग, लो फ्यूल से वार्निंग, सीट बेल्ट अलर्ट और भी कुछ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको 2 AC के वेंट्स इधर मिल जाएंगे, 1 AC का वेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको गाड़ी के अंदर। इसमें ना आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। देखिए गाड़ी में ना मैं पीछे से लेकर और ऊपर रूफ वगैरह मैं दिखाता हूँ तो सारा का सारा इंटीरियर आपको क्रीम के अंदर मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर क्रीम, देखिए वैसे देख रहा ना मैं कैमरे को इधर उधर घुमाना ना, ये अपने अकॉर्डिंग लाइट डार्क हो रहा है क्योंकि सामने से जो हमारा हार्ड लाइट आ रही है सन की। और इधर हमारा देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव पोर्शन इधर भी, और इधर दिखाते काफ़ी बड़ा सारा हमारे को यहाँ पर ग्लू बॉक्स मिल जाता है, ड्यूल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, एयर बैग यहाँ पर लिखा हुआ अलग से ही वुडना, काफ़ी प्यारा सारा ये स्टफ आपको मिल जाता है यार। ये है ना जो यहाँ पर दिया ना डैश, ऊपर आपको यहाँ पर हैंडल बार मिल जाएगा। ये हमारा रहेगा वेंटी मिरर, इधर हमारा इसमें मिरर है ना, और यहाँ पर हमारे को लाइट मिल जाएगी। डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हम। और इधर हमारा सनवाइजर, और ये रहा हमारा जो ऑटोमेटिक के अंदर AC है ना गाड़ी का वो मिल जाएगा। और जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है
वो आपको कंपनी फिटेड ही इसके अंदर ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जो सपोर्ट करेगा हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑक्स से और यूएसबी से। यहाँ पर हमारे कुछ बटन दिए हुए हैं एफएम एएम मीडिया से रिलेटेड और कुछ शॉर्टकट कट यहाँ पर हमारे मिल जाते हैं और ये आपको मिल जाता। जो हमारा एसी है ना, मोस्टली गाड़ी में रहता है फैन स्पीड आपको इस साइड मिलेगी। हमारी इस गाड़ी में फ़ैन स्पीड हमारी यहाँ पे है और इस साइड आपको टेम्परेचर का बटन मिल जाएगा। यहीं से हम फुली डिजिटल के अंदर आपको शो करेगा गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर लिखे हुआ है साफ साफ बटनों में। यहाँ से जो गाड़ी के यहाँ पर आएगा डायरेक्शन में, जैसे अंदर की हवा लेनी है बाहर की लेनी है, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं, फ्रंट पे जो हमारी एयर जाएगी यहाँ पर इसके मोड है कहाँ पर हमारे को जो एयर डायरेक्शन चाहिए वहाँ पर ये रियर पे आ जाएगी। और नीचे हमारा देखिए, एक तो इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग चौकट यूएसबी के लिए ये है, एक ऑक्स का रहेगा ऑप्शन, मैक्सिमम 120 वोल्ट यहाँ पर ए बी हमारा दिया हुआ है। इधर यहाँ पर फ़ोन के लिए स्पेस है और ये एक पोर्शन यार मेरे को काफ़ी मस्त सारा लगा। हल्का सा मैं इसको देखिए प्रेस करता हूँ ना, देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन यार ये सही लगा मेरे को ना ऑप्शन। देखिए बिल्कुल जैसे हमारे ना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी रख इसके जैसे गाड़ी वॉश वगैरह कराते ना उसमें ये बड़ा ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। इसके अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट है धूल मिट्टी कुछ नहीं आपकी जाएगी, कुछ भी रखा हुआ है उसके लिए। और तो देखिए ये आपको जैसे ही खोलता है इसके अंदर ये कुछ इसका पार्टीशन आपको मिल जाएगा देखने के लिए, दो आपको कप होल्डर मिल जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो गियर लीवर है 5 गियर गाड़ी के मिल जाएंगे, सिल्वर स्टफ आपको ये मिल जाएगा। और इधर हमारा हैंड ब्रेक रहेगा सिंपल के अंदर, आर्म रेस्ट मिल जाता है लेदर के अंदर, फुल्ली लेदर हमारे को गाड़ी के अंदर है ना, जो पूरा प्रॉपर इंटीरियर आपको मिल जाएगा। देखिए जो सीटें हैं हमारी वो आपको फुल्ली लेदर के अंदर ये मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छा सारा इसका सीटों का जो इंटीरियर है वो आपको मिल रहा है, फील देगा यार अलग से ही आप किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। तो आप हमारे को प्लीज़ कमेंट्स कर देना भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगी, जो हमारी सियाज है पेट्रोल का जो वेरिएंट्स है ये। गाइस जो हमारा ये मॉडल है डेल्टा मॉडल है जिसका गाड़ी का हमने अभी आपको फुल रिव्यू किया ना, वो मॉडल आपको ये आपको मिल जाएगा। गाड़ी यार मस्त गाड़ी है, जो सीडान कार है ना, जो नेक्सा की डीलरशिप गाड़ियाँ मिलती है ना, मोस्टली आपको लग्जरी ही गाड़ियाँ मिलेंगी, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे बलिनो है, ग्रैंड विटारा है, सियाज है, और भी कई सारी इनकी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो गाड़ी का एक्सोरूम हम प्राइस की बात करते हैं, इसका 9,63,500 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस है वो सभी एजेंसियों में अलग अलग रहता है, वो आप एजेंसी में विजिट करके देख सकते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या रहने वाला है। तो रिव्यू आपको कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी आप हमारे को प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं यार किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।